अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपको आपके नेक्स्ट लेक्चर में वेलकम करती हूँ। आज हम लोग एग्रीगेट सप्लाई एंड शॉर्ट रन ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। आपने जर्नली आपको कॉन्सेप्ट है सप्लाई का, एग्रीगेट सप्लाई का, ठीक है, लेकिन आज हम बड़ा पर्टिकुलरली जो है एग्रीगेट सप्लाई पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि एग्रीगेट सप्लाई जो है, जो सप्लायर जो है या सब जो सप्लायर मिलके एग्रीगेट जो है वो सप्लाई बनाते हैं, वो किस तरह से जो है अपनी सप्लाई को मेंटेन रखते हैं विद सर्टन प्राइस लेवल, विद सर्टन इन्फ्लेशन, ठीक है, और विद सर्टन एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है सप्लाई भी आखिर मार्केट में बैठा हुआ सर ऑब्जर्व कर रहा होता है, ठीक है। तो वो आज के जो चैप्टर है इसमें हम लोग पढ़ेंगे। ये मेनकीफ का जो है चैप्टर नंबर 14 है, ये इसकी आपसे ऑलरेडी जो है वो शेयर की हुई है। तो आप प्लीज़ आप इस पीपीटी और इस रिकॉर्डिंग के साथ जो बुक को पढ़िएगा ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हो और थोड़ा सा जो है वो चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग आए, ठीक है। सर कहते हैं कि इस चैप्टर की वो समरी बताता है, कहते हैं कि इस चैप्टर पे हम क्या पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हमने पढ़ने वाले हैं टू मॉडल्स ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई के हम टू मॉडल्स पढ़ने वाले हैं, इन विच आउटपुट डिपेंड पॉजिटिवली ऑन द प्राइस लेवल इन शॉर्ट रन, ठीक है, जिसमें कि आपकी जो प्राइस है वो शॉर्ट रन में जो है वो पॉजिटिवली आपकी जो सप्लाई है उसको अफेक्ट करती है। तो कहते हैं कि अबाउट द शॉर्ट रन ट्रेड ऑफ, ट्रेड ऑफ का मतलब होता है कि आपने किसी एक चीज़ को सिलेक्ट करना है, आपके पास दो चीज़ें हैं, किसी एक चीज़ को सिलेक्ट करना है और एट द कॉस्ट ऑफ अदर थिंग, ठीक है। तो कहते हैं कि अबाउट द शॉर्ट रन ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट नोन एज फिलिप कर्व, ठीक है। कहते हैं कि हम जो शॉर्ट रन में जो सिलेक्ट करते हैं कि हम लोगों ने क्या इन्फ्लेशन जो है वो उसको मेंटेन रखना है और अनएम्प्लॉयमेंट को होने देना है, या मैंने अनएम्प्लॉयमेंट को बड़ा स्ट्रिक्टली जो है मेंटेन रखना है और इन्फ्लेशन जो है उसको इंक्रीज होने देना है, ठीक है। तो ये सारे जो प्रोसीजर है इसको फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व जो है वो मिस्टर फिलिप्स ने किया था, ठीक है, जिसकी वजह से जो ये जब भी हम इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें फिर फिलिप कर्व आता है और मिस्टर फिलिप जो है वो उसके साथ ये फिर फॉरएवर जो है ये वाला जो लॉ है वो उनके साथ कनेक्ट कर दिया गया। अच्छा, हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में जो है वो कहते हैं कि आपको पता है कि जो है वो प्राइसेस आर फ्लेक्सिबल इन लॉन्ग रन, ठीक है। शॉर्ट रन में जो है वो आपकी जो प्राइसेस हैं लॉन्ग रन में आपकी प्राइसेस फ्लेक्सिबल होती है। फिर उसमें क्या कहता है, ये दिस इम्प्लाइज अ वर्टिकल एग्रीगेट सप्लाई, जिसकी वजह से आपका वर्टिकल एग्रीगेट सप्लाई कर्व होता है कि प्राइसेस आपकी इंक्रीज होती जाती है लेकिन सप्लाई कर्व आपका वर्टिकल रहता है, ठीक है। कहते हैं कि देन वी अज्यूम द प्राइस लेवल पी वॉज स्टिकी इन शॉर्ट रन। कहते हैं कि शॉर्ट रन में आपका प्राइस एग्रीगेट सप्लाई कर्व स्टिकी होता है। अगर आपको याद हो कि जब हम लोगों ने इकोनॉमिक सिचुएशन पढ़ी थी तो शॉर्ट रन में एग्रीगेट सप्लाई कर्व की हमारी स्ट्रेट लाइन आ जाती थी, ठीक है। उसमें क्या था कि प्राइसेस जो है वो स्टिकी हैं, स्टिकी का मतलब ये है कि फिक्स है, अपनी जगह पे स्टिक की हुई हैं, हिल नहीं रही हैं, ठीक है। कहता है कि दिस इंप्लाइज अ हॉरिजॉन्टल एग्रीगेट सप्लाई कर्व, यस, तो अब हमारा हॉरिजॉन्टल एग्रीगेट सप्लाई कर्व होता था, ठीक है। फिर उसके बाद कहता है कि लेट्स रिफाइन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई टू बेटर रिफ्लेक्ट द रियल वर्ल्ड इन विच सम प्राइसेस आर स्टिकी एंड अदर्स आर नॉट। कहता है कि वो जो कॉन्सेप्ट आपने बनाया उसको हम लोग रिफाइन करते हैं और फिर हम लोग देखते हैं कि शॉर्ट रन में इन सम हाउ कुछ प्राइसेस जो हैं वो स्टिकी होती हैं, फिक्स होती हैं, लेकिन सम प्राइसेस आर फ्लेक्सिबल इन शॉर्ट रन एज वेल। तो शॉर्ट रन में समटाइम प्राइसेस आपकी जो है वो फ्लक्चुएट भी करती हैं, कि जिसकी एग्जांपल जो है वो आप लोग देखते हैं कि जो ऑयल प्राइसेस हैं वो कितनी बम्पी किस्म का उसका ग्राफ बनेगा अगर हम लोग लास्ट वन ईयर की, ठीक है, देखें अपनी जो इन्फ्लेशन जो है इस लास्ट जून से इस जून का जो हम लोग प्राइस ऑयल की प्राइसेस देखें
तो वो बड़ी अप एंड डाउन आई है उसमें, ठीक है। तो वो तो जो कहते हैं कि जब इस किस्म का जो आपकी जो है समटाइम्स सिचुएशन होती है तो उसमें आपका एग्रीगेट सप्लाई कर्व अपवर्ड हो जाता है, शॉर्ट रन में आपका एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो अपवर्ड में हो जाता है। और उसमें क्या होता है कि जैसे जैसे प्राइसेस इंक्रीज होती जाती हैं, एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीज होती जाती है, ठीक है। इसकी एग्जांपल आप इस तरह से देखें कि आजकल एकदम जो है वो ऑयल प्राइसेस बहुत ज़्यादा कम हुई हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो ऑयल सप्लायर है, जो आपके जो है पेट्रोल पंप्स वाले हैं, उन्होंने पेट्रोल जो है वो सेव कर लिया। ओग्रा जो है वो कह रहा है कि हमारे पास तकरीबन 100,000 टन जो है वो पेट्रोल फ्यूल इस वक्त मौजूद है, मुल्क के जो गोडाम्स हैं उसमें मौजूद है, ठीक है। लेकिन लोग जो हैं, जो सप्लायर जो है वो इतना डिस्करेज है इस लो लेवल ऑफ प्राइस पे, ठीक है, तो उसने स्टोर कर लिया और ही इज़ वेटिंग, ठीक है, कि कब वो प्राइसेस इंक्रीज हों और वो अपना जो स्टॉक जो है वो उसको मार्केट में लेके आए। और ये बड़ी कॉमन सी प्रैक्टिस है, ठीक है। तो इस वजह से कहते हैं कि आपका जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो समटाइम्स जो है वो अपवर्ड स्लोप भी होता है, ठीक है। अब वो कहते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई को जो पढ़ने के लिए आपके पास दो मॉडल है, एक आपके पास है स्टिकी प्राइस मॉडल है और दूसरा इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन मॉडल है, ठीक है। बड़े इंटरेस्टिंग मॉडल है, अगर आप इसको पढ़ें और अगर जरा इंटरेस्ट लेके पढ़ें तो पढ़ने में आपको इसको जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम कहते हैं कि जो है इंट्रोडक्शन टू द कॉन्टेक्स्ट में जो है वो कहते हैं कि पहले थोड़ा सा आपको बता दें कि यहाँ पे कौन कौन से वेरिएबल्स यूज होंगे और उन वेरिएबल्स के क्या साइन है। सिंपल वाई जो है ये आपकी आउटपुट है, आपकी एग्रीगेट आउटपुट है, और अगर वाई के ऊपर आपका डैश डैश आ जाए तो ये नेचुरल रेट ऑफ आउटपुट है, यानी कि आपकी एक ये आपकी करंट आउटपुट है। लेट सपोज कि मेरे मुल्क की जो करंट आउटपुट है, ठीक है, वो $20 million है, ठीक है, और मेरा जो नेचुरल रेट ऑफ आउटपुट है हो सकता है वो $30 million हो, ठीक है। तो मेरी इस वक्त करंट जो है वो $20 million है, लेकिन मैं $30 million तक जो है आउटपुट को ले जा सकती हूँ, वो मेरी पॉसिबिलिटी है कि मैं इसको यहाँ तक लेके जा सकती हूँ, लेकिन करंट मेरी $20 million, ठीक है। प्लस उसके बाद ये आपके जो है वो मल्टीप्लायर कोफिशेंट है अल्फा, इसके साथ आपका आ जाता है पी, जो सिंपल पी आपका ओवरऑल प्राइस लेवल है इकोनॉमी में, और ई पी आपका एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल है, ठीक है। एक वो प्राइस है जो मार्केट में चल रही होती है, मार्केट में क्रॉल कर रही होती है, और एक होती है कि एक्सपेक्टेड प्राइस होती है, ठीक है। जैसे कि एक्सपेक्टेशन की जाती है, स्पेकुलेशन की जाती है कि आने वाले दिनों में अच्छा ऑयल की कीमत बढ़ने वाली है, तो अगर मैं कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहा हूँ और उसमें ऑयल यूज़ हो रहा है तो मैं अभी से उसकी कीमत जो है वो इसको इंक्रीज कर दूंगा, ताकि आने वाले टाइम में अगर प्राइस इंक्रीज हो तो मेरी सप्लाई जो है वो स्मूथ रहे, ठीक है। इसको मज़ीद डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। अदर थिंग्स इक्वल, Y and P are positively related, so the aggregate short run aggregate supply curve is upward slope, ठीक है। तो वो कहता है कि आपका जो short run में aggregate supply curve है वो आपका upward slope है। अच्छा जी, स्टिकी प्राइस मॉडल जो है उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। कहते हैं कि रीजन फॉर स्टिकी प्राइस, क्या रीजन होगी कि प्राइस आपकी स्टिकी है, फिक्स है। उसमें कहते हैं कि लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रास्ट बिटवीन फर्म्स एंड कंज्यूमर, ठीक है, और उसके बाद कहते हैं कि मेन्यू कॉस्ट, ठीक है। फिर उसके बाद कहते हैं कि फर्म्स नॉट विशिंग टू अनाय कंज्यूमर विद फ्रीक्वेंट प्राइसेस चेंज, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि प्राइसेस शॉर्ट रन में स्टिकी क्यों होती हैं। शॉर्ट रन में स्टिकी इस तरह से होती हैं कि फ़र्ज करें कि मैं सप्लायर हूँ, मैंने कोई चीज़ सप्लाई करनी है, ठीक है, और मैंने वो चीज़ जो है वो आज से 2 माह बाद सप्लाई करनी है, वो चीज़ को प्रोड्यूस करके। तो मैं अभी जो है जब मैं उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट करूँगी तो मैं ये देखूँगी कि कहीं आने वाले टाइम में कीमत तो नहीं बढ़ने वाली, ये ना हो कि फिर मेरी जो लागत है वो मेरी ज़्यादा हो जाए और जो मार्केट में प्राइस है वो कम हो, ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग जो प्राइजेस हैं उसको एक सर्टन लेवल पे रख के जो है वो हम स्टिकी कर देते हैं। फिर दूसरी बात ये होती है कि आपने एक मेन्यू अपना बनाया होता है। लेट सपोज एग्जांपल लेते हैं मैकडॉनल्ड्स की।
आप मैकडोनल्ड्स में जाते हैं तो वहाँ पे उन्होंने कोई मतलब मेरा ख्याल 100 of 1000s जो है वो पम्फलेट और ब्रोशर्स जो है वो प्रिंट करवाए होते हैं, जिसमें उन्होंने अपने तमाम तर मेन्यू लिखे होते हैं, ठीक है। फिर इतनी बड़ी बड़ी फ्लैक्सेस जो हैं वो उन्होंने बनवाई होती हैं और वो उन्होंने जो है वो पूरे शहर में जो है वो लगाई होती हैं और जहाँ पे उन्होंने प्राइसेस मेंशन की होती हैं, ठीक है, जिसको देख के कंज्यूमर आता है। अब अगर आपकी जो है वो प्राइसेस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करेंगी तो आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, कि क्या आप जो है वो डेली अपना जो है वो मेन्यू की कॉस्ट मेन्यू जो है उसको चेंज करेंगे, और मेन्यू को चेंज करने की जो कॉस्ट है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। जिसकी वजह से जो है मैकडोनल्ड्स वाले क्या करते हैं कि जितनी मार्केट में अगर बर्गर जो है वो 150 का मिल रहा है, ठीक है, तो वो प्राइस जो है वो 280 पे फिक्स करेंगे, वो प्राइस 280 पे फिक्स करेंगे, क्योंकि वो प्राइस उन्होंने थोड़े से अरसे के लिए जो है वो फिक्स करनी है। और अगर लेट सपोज के आज 150 का है, हो सकता है कि कल उसकी जो मेकिंग है वो 170 हो जाए, हो सकता है परसों को 200 हो जाए, हो सकता है कि वो 130 पे आ जाए, ठीक है। इस किस्म की जो भी फ्लक्चुएशन हो रही होती हैं, आप अपनी जो प्राइस है वो उससे थोड़ा सा अबव पे करते हैं, ताकि जो कस्टमर है वो अनाए ना हो और आप बड़े जो है वो स्मूथ तरीके से अपना जो है वो बिजनेस रन करें, ठीक है। अब आप अगर आप आजकल की सिचुएशन देखें तो क्या है कि एक दफ़ा जब आप ग्रॉसरी करते हैं मंथ की, ठीक है, और जो भी आपका जो बिल बनता है उसको आप अपने पास रख लेते हैं, नेक्स्ट मंथ जब आप दोबारा से जाते हैं और ग्रॉसरी करते हैं तो उन दो बिल्स को अगर आप आपस में कंपेयर करें तो उनमें इतना ज़्यादा प्राइसेस की जो है वो ऊपर नीचे हुई होती है, तो समटाइम्स हम बड़े अनॉय होते हैं कि ये क्या बात है, ये हर दफ़ा जाने पे प्राइसेस जो है वो चेंज मिलती हैं, और फिर उसमें कुछ एक सिस्टम ऐसा बना होता है कि बहुत कम होता है कि प्राइसेस कम हो, होती हैं लेकिन बहुत कम होता है कि प्राइसेस कम हो, वरना आपको अनॉय आपको होते हैं कि आपको पहले से प्राइस जो है वो ज़्यादा ही मिली, ठीक है। और इसी तरह से आपकी जो जितनी भी जो आपकी पोल्ट्री है, ठीक है, वो सप्लाई कर रही है, जितनी भी आपकी जो है ये आपके जितने भी फूड आइटम्स हैं वो अब सप्लाई कर रहे हैं, तो शॉर्ट टर्म में वो कोशिश करते हैं कि प्राइसेस को थोड़ा सा स्टिकी रखें, ताकि स्मूथली बिजनेस जो है वो किया जा सके, ठीक है। अगर आप ये देखें कि थोड़ा सा जो है वो गवर्नमेंट जो है वो चाहती है कि जब ऐसे प्राइसेस स्टिकी हो ना, तो उसमें कंज्यूमर जो है ना उसको ज़्यादा सम टाइम पे करना पड़ता है, या मोस्ट ऑफ टाइम ज़्यादा ही पे करना पड़ता है, तो गवर्नमेंट समटाइम्स कहती है कि डिमांड सप्लाई जो है वो उसके उसको फ्री रहने दे मार्केट में। जैसे आप देखें कि चिकन की जो है वो कभी भी वो फिक्स जो है कोई प्राइस नहीं लगाओ, मतलब कभी भी कोई फिक्स बोर्ड पे प्राइस नहीं लगाएंगे, वो चिकन की क्या है वो उन्होंने एक स्लेट सी रखी हुई यार उसके ऊपर चौक से लिख देंगे, तो उसमें आप देखेंगे कभी वो आपको 280 का मिल रहा होता है, कभी आपको वो 229 का मिल रहा होता है, कभी आपको 241 का मिल रहा होता है, ठीक है। तो वो डेली के जैसे जो है वो प्राइसेस अप एंड डाउन होती है, और इससे आप समटाइम बहुत अनाए भी होते हैं, ठीक है। ये आपकी लोकल मार्केट में जो है वो ऐसे होता है, लेकिन अगर जब आप बड़े सुपर मार्ट्स पर जाते हैं तो वहाँ पर मोर और लेस आपको एक फिक्स प्राइस में चीज़ें मिलती हैं और वो मार्केट रेट से थोड़ी सी अबव। अच्छा जी, उसके बाद कहते हैं कि एन इंडिविजुअल फर्म्स विद फ्लेक्सिबल प्राइस सेट डिजायर्ड प्राइस एज, ठीक है, बिलो, ये आपकी डिजायर्ड प्राइस है जो कि इक्वल टू है आपके प्राइस के, ठीक है, जो आपकी जो फ्लेक्सिबल प्राइस है, और ये आपका आउटपुट है और ये आपका नेचुरल रेट ऑफ आउटपुट है, ठीक है। इसमें कहते हैं कि द फर्म विद स्टिकी, अब अगर फर्म जो है वो किसी स्टिकी प्राइस के साथ है कि मस्ट सेट देयर प्राइस बिफोर दे नो द पी एंड वाई विल टर्न आउट, तो उसमें क्या करेंगे, ये आपकी प्राइस है जो आपने प्राइस फिक्स करनी है, ठीक है, ये आपका एक्चुअल प्राइस है, और इक्वल टू ये ई पी आपकी एक्सपेक्टेड प्राइस है, ठीक है, और इसमें आपका जो ये अल्फा है, और ये ई वाई आपकी एक्सपेक्टेड आउटपुट है, और ये ई वाई डैश आपकी एक्सपेक्टेड नेचुरल रेट ऑफ आउटपुट है, ठीक है। तो जब आप स्टिकी प्राइस शॉर्ट रन में होते हैं तो तब आप प्राइसेस को एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, गेस कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उसमें ये ई पी आपकी एक्सपेक्टेड प्राइस आ जाती है। अब देखें कि जितने भी आपके जो
ब्रांड्स हैं वो सारे जो है बड़े जो स्टिकी होते हैं अपनी एक प्राइस पे, ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपनी प्राइस जो है वो मार्केट प्राइस से वैसे ही थोड़ी सी अबव की होती है, तो जो भी कोई फ्लक्चुएशन होती है वो उनके बीच में कवर हो रही होती है, ठीक है। तो ये देखें कि वो पी जो है अपनी जो प्राइस है वो थोड़ी सी एक जगह पे फिक्स कर देते हैं, तो एक्सपेक्टेड प्राइस जो है अगर वो कम है या ज़्यादा है तो वो उसके अंडर ही रहती है, और आप एक स्टिकी प्राइस के मॉडल के अकॉर्डिंग मूव करते हुए अपनी जो है वो मार्केट में चीप प्रोडक्ट की सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि स्टिकी प्राइस मॉडल में मजीद वो जो है क्या कहते हैं कि एज्यूम स्टिकी प्राइस फॉर्म एक्सपेक्ट द आउटपुट विल इक्वल टू इट्स नेचुरल रेट। कहते हैं कि अब हमने एक अजम्पशन की है इस मॉडल के लिए कि आपका जो नेचुरल रेट ऑफ आउटपुट है और आपका एक्चुअल रेट ऑफ आउटपुट है वो दोनों सेम है, तो आपकी जो एक्चुअल प्राइस है वो इक्वल टू होगी आपकी एक्सपेक्टेड प्राइस के, ठीक है। टू ड्राइव द एग्रीगेट सप्लाई कर्व फर्स्ट फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द ओवरऑल प्राइस लेवल, ठीक है। वी कैन यूज द प्राइसिंग रूल्स ऑफ द टू ग्रुप्स ऑफ फर्म्स टू फर्म्स टू डिजाइन द एग्रीगेट सप्लाई इक्वेशन, ठीक है। टू डू दिस वी फाइंड द ओवरऑल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी विच इज वेटेड एवरेज, ठीक है, ऑफ द प्राइस सेट बाय द टू ग्रुप्स, ठीक है। इफ एस इज फ्रिक्शन of the firm with the sticky price and 1 minus s is a fraction with the flexible price, ठीक है, then the overall price will be price level is। अब कहते हैं कि मार्केट में दो तरह के सप्लायर्स हैं, एक सप्लायर जो है वो ये कहता है कि मैंने स्टिकी प्राइस पे जो है अपना सप्लाई करना है, और एक कहता है कि मैंने फ्लेक्सिबल प्राइस पे करना है। अगर आप एक्चुअली देखें तो अभी भी हमारी मार्केट में इसी तरह से है कि अगर आप जो है अगर आप किसी भी ब्रांड पे जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपको स्टिकी प्राइस मिलेंगी कि उन्होंने एक जो प्राइस लगाई हुई है वो प्राइस टैग्ड है और आपको उतने ही पे करने हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं शॉपिंग करने के लिए अनारकली चली जाती हूँ, ठीक है, वहाँ पे मैं किसी कपड़े की दुकान पे चली जाती हूँ, तो वहाँ पे हम लोग उसकी प्राइजेस जो हैं वो बड़ी फ्लेक्सिबल होंगी, वो कोई प्राइस बताएगा, हम उस पर बार्गिन करेंगे, नहीं इतने की दे दो, ठीक है, और फिर जो भी कोई एक मुनासिब कीमत होगी तो उस पर हम लोग जो है वो चीज़ को बाय कर लेंगे, ठीक है। कहते हैं कि अब जो मार्केट में इस तरह के दो जो है वो दो तरह की फर्म्स जो हैं वो ऐसे मूव कर रही होती हैं, ठीक है, और एक फर्म वो है जो कि आपकी स्टिकी प्राइस के साथ रहता है, ठीक है, जिसको उसने एस का नाम दे दिया, और एक वो है जो आपकी फ्लेक्सिबल प्राइस के साथ बिजनेस करना चाहती हैं वो 1-S का नाम दे दिया। अब क्या होता है क्या इकोनॉमी में, कहते हैं कि ये इक्वेशन आपके पास आई है कि ये आपकी प्राइस है, ठीक है, और ये वाले जो हैं ये स्टिकी प्राइस के साथ जो है वो करते हैं कि इन्होंने क्या किया है कि अब ये हमारी जो एक्सपेक्टेड प्राइस है और उसको ऐसे मल्टीप्लाई करती है, ठीक है। अब ये जो है फ्लेक्सिबल जो प्राइसेस वाले जो हैं, ठीक है, वो आपके आउटपुट पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब उन्होंने प्राइस स्टिकी कर ली है तो उसमें उनको नो मैटर, कहते हैं कि ये मेरी कीमत है, इस पे जिसको पसंद है ख़रीदे, जिसको नहीं समझ में आता, जिसको नहीं जो है वो अफोर्ड कर सकता वो ना ख़रीदे, वो इस चीज़ को बॉदर ही नहीं करते हैं, ठीक है। जबकि आप फ्लेक्सिबल प्राइस पे जाएं, ठीक है, तो उसमें आपकी आउटपुट भी साथ फ्लक्चुएट कर रही होती है, क्योंकि आप लोगों ने जो है वो अपने प्राइजेस को कम ज़्यादा करना है और उसी के अकॉर्डिंग आपकी जो आउटपुट है वो भी ऊपर नीचे होती है, जिसकी वजह से हमारे पास जो फ्लेक्सिबल प्राइस जो है जो फर्म फ्लेक्सिबल प्राइस के साथ चलती है तो उनकी हमारे पास ये कोई नहीं आती, ठीक है। तो फिर उसके बाद जो है वो कहता है कि सब्ट्रैक्ट हम लोग कर लेते हैं 1-SP फ्रॉम बोथ साइड, ठीक है, तो इससे हमारे पास आ जाती है ये प्राइस आ जाती है आपके पास स्टिकी प्राइस जो है वो आ जाती है, ठीक है, और ये आपका जो है वो एक्सपेक्टेड प्राइस और ये आपका मॉडल आ जाता है विथ फ्लेक्सिबल प्राइस, ठीक है, और डिवाइडिंग बोथ साइड विद एस, अगर मैंने दोनों साइड को एस से जो है डिवाइड कर दी है, ठीक है, क्योंकि जाहिर लॉ की जो डेरिवेशन जो भी कोई मॉडल होता है उसकी जब डेरिवेशन कर रहे होते हैं तो डिफरेंट वेरिएबल्स जो है उनको हमने दाएं बाएं करना होता है जिसके लिए हम लोग समटाइम किसी वेरिएबल से डिवाइड करते हैं, किसी वेरिएबल से सब्ट्रैक्ट करते हैं। जब डिवाइड किया तो मेरे पास ये बेसिक इक्वेशन बन गई, ठीक है, जिसमें मेरी एक्सपेक्टेड प्राइसेस ये हैं, ठीक है, जो मेरे स्टिकी मॉडल की फॉर्म्स के लिए हैं, ठीक है,
और ये मेरी जो है फ्लेक्सिबल जो फॉर्म्स हैं ठीक है उनके साथ ये और वो आउटपुट के साथ डिपेंड कर रही होती है। अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है द टू टर्म्स इन दिस इक्वेशन आर एक्सप्लेन्ड एज फॉलोइंग। कहते हैं कि अब इसमें टू टर्म्स जो है इस मॉडल में एक्सप्लेन की गई हैं तो उसमें क्या कहते हैं कि व्हेन फर्म एक्सपेक्ट अ हाई प्राइस लेवल, जब फर्म जो है वो हाई प्राइस लेवल एक्सपेक्ट कर रही होती है दे एक्सपेक्ट हाई कॉस्ट, तो वो हाई कॉस्ट भी एक्सपेक्ट कर रही होती है। वो ये कहती है कि पीछे से हमें पेट्रोल महंगा मिलना है इस वजह से हम लोगों ने जो है वो किराए बढ़ाए हैं ठीक है। Those firms that fix price in advance set their price high, ठीक है जाहिर है जो price फिर उन्होंने advance में fix करनी है तो वो थोड़ा सा high करेंगे। अब McDonald's वाले जो हैं उन्होंने जब बर्गर जो है उसको सप्लाई करना है ठीक है, तो मैंने अगर आज साल बाद बर्गर सप्लाई करना है तो मैं अगर आज उसकी कीमत लगाऊंगी तो मुझे अगर 150 रुपये का बर्गर हो इससे अगर कॉस्ट है तो मैं उसको 280 रुपये रखूँगी या मैं उसको 300 रुपये रखूँगी, क्योंकि आने वाले टाइम में जो भी सारी फ्लक्चुएशंस होनी है ठीक है और अगर कॉस्ट हाई होती है तो वो मुझे बेयर करनी होगी ठीक है। और इस इन इसमें आपको फ़ायदा भी होता है इसमें आपको नुकसान भी होता है और इसकी सबसे ज़्यादा जो हम लोग एक एग्जांपल जो है और जो हम लोग फेस करते हैं कि जो जितने भी मैरिज हॉल्स वाले हैं खैर आजकल इन पर बड़ा जो है बुरा वक्त आया हुआ है और शायद ये डिज़र्व करते थे इस बुरे वक्त को भी, क्योंकि जब ये हम लोग इनके पास जाते हैं कि जनाब कोई भी इवेंट है तो उसके लिए आप हमें कॉस्ट दें तो ये हमें पर हेड कॉस्ट जो है वो 900 देते थे या मतलब 1000 जो है एक्सक्लूडिंग ड्रिंक्स जो है। तो मैं जब उसको देखती थी मैं कहती थी कि 1000 रुपया जो है वो एक बंदे के लिए तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट है ठीक है। तो वो उसमें क्या कहते थे देखें कि आप आज हमसे बुकिंग करवा रहे हैं आपका इवेंट 2 माह बाद है, पता नहीं 2 माह बाद जो है वो चिकन को कितने पर लग जाने हैं कीमतों को कितने पर लग जाने हैं ठीक है। तो हम अभी आपसे जो है जो बात करेंगे वो हम लोग अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे ठीक है, जिसकी वजह से वो इतना हाई पर हेड जो है वो चार्ज करते थे और फिर इंटरेस्टिंगली वो 99% पेमेंट जो है वो 2-3 माह पहले ले लेते थे ठीक है। तो ये बड़ा एक लीथल किस्म की बिजनेस की फॉर्म थी जो वो कर रहे थे ठीक है। तो इसमें क्या कहते हैं कि दीज हायर प्राइजेस कॉज द फर्म टू सेट देयर प्राइजेस हाई प्राइस आल्सो, हेंस द हाई एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल ईपी लीड्स टू द हाई एक्चुअल प्राइस लेवल। जब आप देखते हैं कि आपका एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल ज़्यादा हो गया तो आपका एक्चुअल प्राइस लेवल जो है वो भी ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाता है ठीक है। उसकी एग्जांपल आप इस तरह से देखें कि अगर जो है जो मैकडॉनल्ड्स वाले जो हैं वो अगर जिंगर बर्गर जो है वो 300 रुपये का दे रहे हैं ठीक है, उन्होंने अपनी जो प्राइस है वो एक्सपेक्टेड प्राइस जो उन्होंने फिक्स की वो 300 रुपये की, तो जो लोकल मार्केट में लोग बना रहे थे ठीक है उन्होंने देखा कि अगर उन्होंने एक्सपेक्टेड प्राइस ज़्यादा रखी है तो हम भी कीमत थोड़ी सी जो है वो ज़्यादा रखें क्योंकि हो सकता है आने वाले टाइम में क्या सिचुएशन हो ठीक है। तो उस वजह से वो भी अपनी कीमत को थोड़ा सा ज़्यादा कर लेते हैं और अक्सर अगर आप बाज़ार में जाएँ तो वो आपको क्या कहते हैं कि ये चीज़ जो हम आपको दे रहे हैं हम तो आपको ये 2000 में दे रहे हैं और यही चीज़ अगर आप फलां ब्रांड पे जाके लें तो ये आपको 8000 की मिलेगी ठीक है। तो अक्सर वो इस किस्म के आर्गुमेंट करते हैं और उसमें क्या होता है कि जब बड़ी फर्म्स जो होती हैं वो अपनी एक्सपेक्टेड प्राइस को हाई करती हैं तो जो छोटे बिजनेस वाले होते हैं जो कि डेली जो है वो अपनी फ्लेक्सिबल प्राइजेस के साथ चल रहे होते हैं वो ऑटोमेटिकली अपनी प्राइस को जो है वो हाई कर देते हैं। दिस इफेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन द फ्रैक्शन ऑफ द फर्म विद स्टिकी प्राइस, कहते हैं इसका कोई इफेक्ट आपकी स्टिकी प्राइस के साथ नहीं, ये जनरल फिनोमेना इकोनॉमी में चलता है। फिर उसके बाद कहते हैं व्हेन द प्राइस इज हाई द डिमांड फॉर द गुड्स इज हाई, कहते हैं जाहिर है जब आउटपुट हाई होती है ठीक है डिमांड हाई होती है तो जो है वो डिमांड भी हाई हो जाती है। दीज फर्म विद अ फ्लेक्सिबल प्राइस एट देयर प्राइस हाई व्हेन लीड्स टू व्हिच लीड्स टू द हायर प्राइस लेवल, द इफेक्ट ऑफ द आउटपुट ऑन द प्राइस लेवल डिपेंड ऑन द फ्रैक्शन ऑफ द फर्म विद द स्टिकी प्राइस, ठीक है द मोर फर्म हैव स्टिकी प्राइस द
the less price level respond to the level of the economic activity. ठीक है, जाहिर है जब आप एक sticky price के साथ चले जाएंगे तो वो भी economic activity इसमें बड़ी कम हो जाती है कि बस ठीक है जो चाहता है इस कीमत पे खरीद ले, जो नहीं चाहता नहीं खरीदे. लेकिन जब हम flexible price के साथ होते हैं तो वहाँ पे तो economic activity बहुत ज़्यादा हो रही थी, जिसकी आप सिचुएशन इस तरह से देखें कि अगर आप वाई ब्लॉक में जाते हैं, ठीक है, शॉपिंग करने के लिए, तो वाई ब्लॉक की मार्केट में आप देखें बड़े कम लोग होते हैं, नज़र आते हैं बहुत कम लोग आपको जो है वो नज़र आते हैं. अगर आप मेट्रो पे जाएं शॉपिंग करने के लिए तो वहाँ पे बहुत कम लोग नज़र आते हैं. ठीक है, क्योंकि वहाँ पे प्राइजेस जो हैं बिल्कुल फिक्स हैं, टैग लगे हुए हैं, जो कोई चाहता है चीज़ को ख़रीदना उसको उसी कीमत पे चीज़ ख़रीदना पड़ेगी. उसकी निस्बत अगर हम लोग जाते हैं, अगर हम लोग अनारकली जाते हैं या हम लोग आज़म मार्केट या शालनी जाते हैं तो वहाँ पे फ्लेक्सिबल प्राइस के साथ का हो रहा होता है और वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी ज़्यादा होती है, वहाँ पे लोगों का रश भी ज़्यादा होता है. हेंस द ओवरऑल प्राइस डिपेंड ऑन द एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल ऑन द लेवल ऑफ आउटपुट. अच्छा, जिसके बाद क्या कहते हैं स्टिकी प्राइस मॉडल. ठीक है, इसमें कहता है एलजेब्रिक रीअरेंजमेंट पुट द एग्रीगेट प्राइसिंग इक्वेशन इनटू द मोर फेमिलर फॉर्म. ठीक है, तो फिर आपके जो प्राइस है उसको मॉडल को मजीद ज़रा डिसेंट करके एक्सप्लेन करता है. तो उसमें कहता है कि आपकी जो आउटपुट है वो इक्वल टू है आपकी नेचुरल रेट ऑफ आउटपुट के, प्लस आपके जो आपका ये फ्रैक्शन था उसको उसने अल्फा का नाम दे दिया. ठीक है, और प्राइस माइनस एक्सपेक्ट एक्चुअल प्राइस माइनस एक्सपेक्टेड प्राइस. इसमें क्या कहते हैं द स्टिकी प्राइस मॉडल सेज दैट द डिविएशन ऑफ द आउटपुट फ्रॉम द नेचुरल लेवल इज पॉजिटिवली एसोसिएटेड विद द डिविएशन ऑफ द प्राइस लेवल फ्रॉम द एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल. अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट मॉडल आ गया. नेक्स्ट मॉडल आपका जो है वो है इम्परफेक्शन, जो नेक्स्ट मॉडल जो है इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन मॉडल. अब कहते हैं कि इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन मॉडल ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है. इसमें कहते हैं कि ऑल वेजेस एंड प्राइसेस आर फ्लेक्सिबल, परफेक्टली फ्लेक्सिबल, ऑल मार्केट्स आर क्लियर. ठीक है, ईच सप्लायर प्रोड्यूस वन गुड एंड कंज्यूम मैनी गुड्स. कहते हैं कि आप देखें कि मैं कोई एक चीज़ प्रोड्यूस कर सकती हूँ या एक चीज़ या दो चीज़ें प्रोड्यूस करती हूँ, लेकिन मैं कंजम्पशन में बहुत ज़्यादा चीज़ें मेरे पास होती हैं. ठीक है, तो इसमें कहता है कि द सप्लायर नो द नॉमिनल प्राइस डिजायर्ड प्राइस ऑफ द गुड्स शी प्रोड्यूस बट डज नॉट नो द ओवरऑल प्राइस लेवल. ठीक है, सप्लायर नो द हिस्ट्री ऑफ द प्राइस मूवमेंट एंड कैन कंप्यूट वेरियंस ऑफ द प्राइस. अब कहते हैं कि अगर जो प्रोड्यूसर है, जो सप्लायर है, उसको बड़ा अच्छे तरीके से पता हो सकता है. अगर फर्ज करें कोई कपड़े का कारोबार करता है तो उसको बहुत अच्छे तरीके से पता हो सकता है कपड़े की कीमत का, लेकिन वो सिर्फ अपनी कंजम्पशन में कपड़ा ही तो नहीं रखता, कंजम्पशन में तो वो और कोई 10,000 चीज़ें इस्तेमाल करता है और उनकी प्राइजेस के बारे में उसको कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती कि वो कितने की प्रोड्यूस हो रही है. ठीक है, जिसमें उसको जो है वो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से समटाइम्स या मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादा भी पे करना पड़ता है. ठीक है, तो कहते हैं कि जो आपकी जो मार्केट जो है ना उसमें आपकी बड़ी इंफॉर्मेशन जो है वो बड़ी इम्परफेक्ट है. इम्परफेक्ट इस तरह से भी है कि समटाइम्स हम लोग मार्केट में जाते हैं, जाके हम लोग चीज़ बाई करते हैं और जब मैं आप जब दो या तीन शॉप्स और आगे जाते हैं तो सेम वही चीज़ समटाइम्स आपको बड़ी लेस प्राइस पे मिल रही होती है या समटाइम्स आपको बड़ी हाई प्राइस पे मिल रही होती है. ठीक है, तो इस किस्म की जो सिचुएशन जो है वो आपको फेस करनी पड़ती है क्योंकि इंफॉर्मेशन जो है वो टोटली इम्परफेक्ट है. अब वो कहता है कि द इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन मॉडल अज्यूम दैट ईच सप्लायर इन द इकोनॉमी प्रोड्यूस अ सिंगल गुड एंड कंज्यूम मैनी गुड्स बिकॉज द नंबर ऑफ द गुड्स इज सो लार्ज सप्लायर कैन नॉट ऑब्जर्व ऑल प्राइस एट ऑल टाइम्स. ठीक है, दे मोनिटर क्लोजली द प्राइस ऑफ वट दे प्रोड्यूस बट लेस क्लोजली द प्राइस ऑफ ऑल गुड्स दे कंज्यूम बिकॉज ऑफ इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन दे समटाइम्स कन्फ्यूज चेंज इन ओवरऑल लेवल ऑफ प्राइस विद चेंज इन रिलेटिव प्राइस. ठीक है, दिस कन्फ्यूजन इन्फ्लुएंस द डिसीजन अबाउट हाउ मच टू सप्लाई एंड इट लीड्स टू अ
पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड आउटपुट इन द शॉर्ट रन. ठीक है, अब समटाइम्स क्या होता है कि एक दो की आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, फिर ये क्या होता है कि जो सप्लायर है ठीक है वो सिमिलर चीज़ें बना रहे हैं और सिमिलर चीज़ों में भी जो है प्राइसेस बड़े फ्लक्चुएट कर रही हैं. ठीक है, जिसकी वजह से बड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है और कन्फ्यूजन होने की वजह से कोई भी सप्लायर जो है वो एग्जैक्टली स्पेकुलेट नहीं कर पाता है कि उसको कितना प्रोड्यूस करना है. ठीक है, और उस कन्फ्यूजन में जो है थोड़ा सा जो कंज्यूमर है उसको बेनिफिट भी मिल जाता है. ठीक है, कि वो जो अपने जो आउटपुट है वो शॉर्ट रन में ज़्यादा प्रोड्यूस करता है. ठीक है, और उसका जो है वो सप्लायर को कंज्यूमर जो है उसको भी फ़ायदा होता है कि जब सप्लाई ज़्यादा होगी तो आपकी प्राइजेस जो है बड़ी नॉर्मल और बड़ी जो है वो बैलेंस्ड ही रहती हैं. अच्छा, उसके बाद कहता है कि शुड यू रिजेक्ट वन मॉडल और एक्सेप्ट अदर. ठीक है, कहता है कि अब ये दो मॉडल्स जो आपके पास आए हैं वी हैव सीन टू मॉडल्स ऑफ एग्रीगेट सप्लाई एंड द मार्केट इम्परफेक्शन दैट ईच यूजेस टू एक्सप्लेन व्हाई द शॉर्टन एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज अपवर्ड स्लो. वन मॉडल assume the price of some goods are sticky. ठीक है, the second assumption information about the prices is imperfect. ठीक है, अब ये दोनों चीज़ें हमारे पास हैं तो इसमें अब हम लोगों ने कैसे देखना है कि हमने किस मॉडल को एक्सेप्ट करना है तो किसको रिजेक्ट करना है. कीप इन माइंड दैट दीज मॉडल्स आर नॉट इनकैपेबल with each other. ठीक है, तो ठीक है, we need not accept one model and reject the other. ठीक है, कहते हैं कि इसमें यह है कि दोनों को हम कंपेयर किया ही नहीं जा सकता, इनका कोई कंपेरिजन ऐसा है ही नहीं है. तो इसमें जो ये चीज़ है कि हमने किसको एक्सेप्ट करना है किसको रिजेक्ट करना है ये रॉन्ग है. द वर्ल्ड मे कंटेन बोथ ऑफ दीज मार्केट इम्परफेक्शंस. ठीक है, एज वेल एज some others and all of them may contributes to the behavior of the shorten aggregate supply. कहते हैं कि sometimes क्या होता है कि दोनों market दोनों जो है वो models जो है वो market में run कर रहे होते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे को replace नहीं करते हैं. जो sticky price है independently एक different है. ठीक है, और आपकी imperfection information की वो entirely different है और इन दोनों को जो है वो इन दोनों मॉडल की मौजूदगी में जो आपका एग्रीगेट सप्लाई का बनता है वो आपका एक्चुअल सप्लाई होती है. ठीक है, द टू मॉडल्स ऑफ द एग्रीगेट सप्लाई डिफर इन देयर अजम्पशंस एंड एम्फसाइज बट देयर इम्प्लीकेशन ऑफ द एग्रीगेट आउटपुट आर सिमिलर. बोथ कैन बी समराइज बाय द इक्वेशन. ठीक है, तो ये इक्वेशन जो हमने पहले देखी थी वो इक्वेशन आ गई है. फिर उसमें कहते हैं कि इफ द प्राइस लेवल इज हायर देन एक्सपेक्टेड प्राइस. अगर आपका एक्चुअल प्राइस लेवल हाई है आपकी एक्सपेक्टेड प्राइस से आउटपुट एक्सीड इट्स नेचुरल रेट तो आपकी जो आउटपुट है वो आपकी नेचुरल रेट ऑफ आउटपुट से भी ज्यादा हो जाएगी. ठीक है, इफ द प्राइस लेवल इज लोअर देन द एक्सपेक्टेड प्राइस. अगर आपका एक्चुअल प्राइस लेवल आपके एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल से लो है ठीक है आउटपुट फॉल्स शॉर्ट ऑफ इट्स नेचुरल लेवल तो आपकी जो आउटपुट एक्चुअल आउटपुट है वो आपके नेचुरल आउटपुट से कम होगा. इसको जो है वो इस डायग्राम में भी एक्सप्लेन किया गया है कि यहाँ पे लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई यहाँ पे आपका इक्विलिब्रियम आ रहा है. इस इक्विलिब्रियम पे आपका एक्सपेक्टेड प्राइस और एक्चुअल प्राइसेस जो है वो इक्वल है. ठीक है, अगर हम लोग इससे अबव जाते हैं तो आपका एक्चुअल प्राइस लेवल जो है वो ज़्यादा हो जाता है आपकी एक्सपेक्टेड प्राइस से. ठीक है, और अगर आप इससे बिलो पे आते हैं तो आपका एक्चुअल प्राइस लेवल जो है वो कम होता है और आपका एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल ज़्यादा होता है. अगर आप ये अपर पोर्शन में आपका आ जाते हैं तो उसमें जो आपका आउटपुट है ये जो आपका नेचुरल रेट ऑफ आउटपुट है इसमें आपका जो एक्चुअल रेट ऑफ आउटपुट है वो एक्सीड कर जाता है. ठीक है, और इस फॉर्म में अगर आप होते हैं तो आपका एक्चुअल रेट ऑफ आउटपुट यहाँ पे फॉल करता है और ये आपका नेचुरल रेट ऑफ आउटपुट. इसी को उसने इस डायग्राम में भी एक्सप्लेन किया. इक्विलिब्रियम ए आपका बना है. ठीक है, आपके एग्रीगेट और एग्रीगेट सप्लाई एंड डिमांड इधर जो है इंटरसेक्ट किया
जहाँ पे आपकी एक्चुअल प्राइस और आपकी एक्सपेक्टेड प्राइस जो है वो दोनों इक्वल है, ठीक है, और ये आपका नेचुरल रेट ऑफ आउटपुट है। शॉर्ट रन में क्या होता है कि आपका जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है, एग्रीगेट डिमांड आपकी जो है प्रोडक्ट की इंक्रीज हो जाती है, तो एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है वो अपवर्ड इक्विलिब्रियम बी पे आ जाता है। जब वो इक्विलिब्रियम बी पे आता है तो आपकी एक्चुअल प्राइसेस इंक्रीज कर जाती हैं, आपकी एक्सपेक्टेड प्राइस से आपकी एक्चुअल प्राइसेस एक्सीड कर जाती हैं। जब एक्सीड कर जाती हैं तो आपका आउटपुट लेवल भी आपके एक्चुअल आउटपुट नेचुरल आउटपुट लेवल से जो है वो एक्सीड कर जाता है इन शॉर्ट रन, ठीक है। फिर जब आप ये सिचुएशन थोड़ी से ज़्यादा देर रहती है तो लॉन्ग रन में इसका इफेक्ट क्या आता है कि आपकी सप्लाई भी अगेन इंक्रीज हो जाती है उसकी डिमांड के अगेंस्ट, आप इक्विलिब्रियम सी पे आ जाते हैं, ठीक है, जहाँ पे आपकी जो एक्सपेक्टेड प्राइस और आपकी एक्चुअल प्राइसेस जो है वो इक्वल हो जाती हैं और आप वापस अपने नेचुरल रेट ऑफ जो आउटपुट है उस पर आ जाते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आपको कहता है कि इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट एंड फिलिप कर्व, ठीक है, कहता है कि टू गोल्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी मेकर आर लो इन्फ्लेशन एंड लो अनएम्प्लॉयमेंट, बट ऑफन दीज गोल्स कॉन्फ्लिक्ट। जितने भी पॉलिसी मेकर हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, पॉलिटिशियन है, जो भी कोई है मुल्क में, उन सबकी जो है एक एफर्ट होती है, वो एफर्ट ये होती है कि इन्फ्लेशन हमने लो से लो रखना है और दूसरी उनकी एफर्ट क्या होती है कि अनएम्प्लॉयमेंट भी हम लोगों ने लो रखनी है। लेकिन कहता है कि इन दोनों गोल्स में कन्फ्लिक्ट है। कन्फ्लिक्ट का मतलब ये है कि हम लोग किसी एक चीज़ को अगर हम लोग पकड़ेंगे तो दूसरी चीज़ जो है वो हमारे हाथ से छूटेगी, ठीक है। अगर हम लोग इन्फ्लेशन लो रखते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी होगी, तो हम लोगों ने किस तरह से इन दोनों में बैलेंस करना है। दस व्हेन पॉलिसी मेकर्स मूव द इकोनॉमी अप अलोंग द शॉर्ट एंड एग्रीगेट सप्लाई कर्व, दे रिड्यूस द अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड राइज द इन्फ्लेशन रेट, ठीक है। जाहिर है कि इन्फ्लेशन जो है वो इंक्रीज करते हैं, ठीक है, ताकि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो मुल्क में कम हो, ठीक है। बेसिकली जो है वो फिलिप कर्व का नाम दिया गया, ठीक है। ये इक्वेशंस की डेरिवेशंस है, ठीक है, ये आपका आउटपुट है, ये आपका एक्चुअल प्राइस है, ठीक है, और इधर आपका जब वो मनी जो है सप्लाई ऑफ मनी जो है वो वेलोसिटी ऑफ मनी को ऐड कर देता है, तो ये आ जाता है दोनों। ये सारी इक्वेशंस की जो है डेरिवेशन है ये आप खुद करेंगे। जो फाइनल इक्वेशन आपके पास आती है मैं उसको बता देती हूँ। ये थीटा आपका इन्फ्लेशन है, ये ई थीटा आपका एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन जो कि मार्केट में एक्सपेक्ट किया जाता है कि अगर आज कीमतें बढ़ रही हैं, ठीक है, अगर आप किसी के पास जाएं मार्केट में ख़रीदने के लिए तो वो कहता है देखिए कि आज कीमत ये कल को ये बढ़ने ही बढ़ने है, ठीक है, यानी कि वो स्पेकुलेट करते हैं कि आज कीमत अगर बढ़ रही है तो आने वाले का आफ्टर सम टाइम ये कीमतें मज़ीद बढ़नी है। बीटा जो है ये इसका कोफिशिएंट मल्टीप्लायर है, U जो है वो आपका एक्चुअल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है और UN आपका नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है और ये आपकी वेलोसिटी ऑफ। अच्छा जी, शॉर्ट टर्म एग्रीगेट सप्लाई कर्व में आपकी ये फॉर्म होती है और जो फिलिप कर्व है वो ये, ठीक है, कि ये इसमें आप क्या होता है कि आपकी एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन है, ये आपका नेचुरल एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट है, ये नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, और ये आपका वेलोसिटी ऑफ मनी है। अब आपने इन दोनों चीज़ों में देखना है कि आपने अपने आउटपुट जो है उसको किस तरह से मैनेज करना है कि आपका इन्फ्लेशन जो है वो कम से कम और जो आपकी एम्प्लॉयमेंट है वो ज़्यादा से। अच्छा, उसके बाद आता है अडॉप्टिव एक्सपेक्टेशंस जो है, इसमें क्या है, अडॉप्टिव एक्सपेक्टेशन में है एंड अप्रोच दैट अज्यूम पीपल फ्रॉम देयर एक्सपेक्टेशंस ऑफ द एक्चुअल इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन द रीसेंट ऑब्जर्व इन्फ्लेशन, ठीक है। जाहिर है आपका जो रीसेंट इन्फ्लेशन होता है उसी की बेस पे आप अपने फ्यूचर का इन्फ्लेशन जो है उसको स्पेकुलेट करते हैं। सिमिलर वर्जन एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन इक्वल टू द लास्ट ईयर्स एक्चुअल इन्फ्लेशन, वाकई ये बात ठीक है। ये ई थीटा आपका एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन है और ये थीटा माइनस वन आपका लास्ट ईयर का इन्फ्लेशन, तो जो आपके फिलिप कर्व की इक्वेशन बनेगी वो आपका थीटा इन्फ्लेशन इक्वल टू लास्ट ईयर का इन्फ्लेशन थीटा माइनस वन माइनस
बीटा ये आपका एक्चुअल इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट और ये नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और ये आपकी नेचुरल जो है मनी। उसमें कहते हैं कि इन दिस मॉम फिलिप कर्व इम्प्लॉयज द इन्फ्लेशन हैज इनर्शिया। अब इन्फ्लेशन जो है उसमें क्या इनर्शिया है कि इन द एब्सेंस ऑफ सप्लाई शॉक और साइक्लर अनएम्प्लॉयमेंट इन्फ्लेशन विल कंटिन्यू आइडेंटिफाई एट इट्स कॉन्स्टेंट एट इट्स करंट रेट। पास्ट इन्फ्लेशन इन्फ्लुएंस एक्सपेक्टेशन ऑफ द करंट इन्फ्लेशन विच इज टर्न इन्फ्लुएंस द वेजेस एंड द प्राइसेस। ठीक है, जाहिर है कि आपके आप ऑब्जर्व करते हो कि आपकी कुछ इकोनॉमी में समटाइम्स सप्लाई शॉक्स आते हैं, उससे कुछ स्ट्रक्चरल या सर्कुलर या सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो आती है, लेकिन आप फिर भी एक अपने जो है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है उस तक रहते हैं। ठीक है, और आपका जो पास्ट इन्फ्लेशन है वो इन्फ्लुएंस द एक्सपेक्टेशन ऑफ द करंट इन्फ्लेशन, वो आपके जाहिर है लास्ट ईयर का इन्फ्लेशन आपके आज का इन्फ्लेशन जो है वो उस पर इफेक्ट करे। जिसमें कहता है कि इन्फ्लेशन की भी आपकी जो है वो टू टाइप है, एक कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और डिमांड पुल इन्फ्लेशन है। ये सारी चीज़ें आपने पहले पढ़ी हुई हैं, आपने एमएससी में बीएससी में कॉस्ट पुश और डिमांड पुल जो है वो बड़ी डिटेल में पढ़ा होगा, लेकिन ये कि फिर भी मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका दे देती हूँ कि इन्फ्लेशन रिजल्टिंग फ्रॉम द सप्लाई शॉक और एडवर्स सप्लाई शॉक टिपिकली राइजेस प्रोडक्शन कॉस्ट एंड इंड्यूस फॉर्म टू राइज प्राइस जो है उसे प्राइसेस पुश इन्फ्लेशन अप। ठीक है, उसमें क्या होता है कि आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है चीज़ों की, जिसकी वजह से सप्लायर को अपनी जो है वो प्राइसेस को इंक्रीज करना पड़ता है और इसको कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का नाम दिया जाता है। ठीक है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन रिजल्टिंग फ्रॉम द डिमांड शॉक्स। ठीक है, पॉजिटिव शॉक और टू द एग्रीगेट डिमांड कॉज अनएम्प्लॉयमेंट टू फॉल बिलो इट्स नेचुरल रेट विच पुल्स द इन्फ्लेशन रेट अप। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपका जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन है थोड़ा सा पॉजिटिव साइड है, इसमें आप क्या करते हैं कि आपकी जो है डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है तो फर्म जो है वो ज़्यादा बिजनेस करती है, ज़्यादा प्रोडक्शन करती है, जिससे आपकी अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होती है, और जो दूसरी तरफ पर इन्फ्लेशन आपकी इकोनॉमी में होता है उसके थोड़े से पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो आपकी इकोनॉमी में आ जाते हैं, क्योंकि आपकी अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो रिड्यूस हो जाती है। अच्छा जी, उसके बाद कहता है कि उसको इस फिलिप कर्व को हम इस ग्राफ से जो है वो शो करते हैं कि ये हमारी जो है वो कर्व है और ये उसकी स्लोप है, बीटा ये उसकी स्लोप है। ठीक है, और ये आपका नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है और ये आपका इन्फ्लेशन है। ठीक है, कहते हैं कि अगर मैं अपना इन अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना चाहती हूँ, ठीक है, तो मुझे इन्फ्लेशन जो है उसको इंक्रीज करना ही पड़ेगा। ठीक है, जिसकी आप एग्जांपल देखें कि जैसे ये गवर्नमेंट आज से 1.5-2 साल पहले आई थी, तो आते ही इन्होंने क्या किया था, आते ही इन्होंने जो है वो इन्फ्लेशन ज़्यादा किया था ताकि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो इकोनॉमी में कम हो। अच्छा जी, उसके बाद कहता है कि अगर कर्व जो है वो शिफ्ट हो जाता है, कर्व अगर शिफ्ट अपवर्ड होगा, ठीक है, तो हम अपने नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पे ही रहेंगे, हमारी अनएम्प्लॉयमेंट के नेचुरल रेट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस हमारा जो इन्फ्लेशन और सप्लाई ऑफ मनी है वो इंक्रीज होकर अपवर्ड चली जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद कहता है कि द सेक्रीफाइस रेशियो टू रिड्यूस द इन्फ्लेशन पॉलिसी मेकर कैन कॉन्टैक्ट एग्रीगेट डिमांड कॉजिंग अनएम्प्लॉयमेंट टू राइज अबाउट द एक्चुअल रेट। ठीक है, अब वो कहता है कि जो पॉलिसी मेकर्स जो हैं उनके लिए बड़ी एक प्रॉब्लम है कि उन लोगों ने कितना जो है वो सेक्रीफाइस करना है इन्फ्लेशन का, तो उनकी कितनी जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो इकोनॉमी में कम होगी। ठीक है, तो इसमें कहते हैं द सेक्रीफाइस रेशियो मेजर्स द प्रेजेंट ऑफ द ईयर्स रियल जीडीपी दैट मस्ट बी फॉरगॉन टू रिड्यूस द इन्फ्लेशन बाय 1 ठीक है परसेंट पॉइंट। तो उसमें कहते हैं कि हम लोग एग्रीगेट सप्लाई अपना सॉरी हम लोग जो जीडीपी है उसको हम लोग कितने परसेंट फॉरगॉन करें कि हम लोगों का जो इन्फ्लेशन जो है वो रिड्यूस हो जाए। ठीक है, आर टिपिकल एस्टिमेशन ऑफ द रेशियो इज 5। कहते हैं कि एग्जांपल टू रिड्यूस द इन्फ्लेशन फ्रॉम
6% to 2%. Must sacrifice 20% of one year's GDP. ठीक है, कहते हैं कि GDP loss जो है वो आपका क्या होगा कि अगर आप 4% inflation कम करना चाहते हैं तो 5 आपकी जो सेक्रीफाइस रेशियो है वो आपकी 5 आएगी. तो यानी कि आप अगर 4% अपना इन्फ्लेशन कम करना चाहते हैं तो 20% आपकी जीडीपी जो है उसमें जो है वो कमी आएगी. दिस लॉस कुड बी इनकर्ड इन वन ईयर और स्प्रेड ओवर सेवरल. ठीक है, कहते हैं कि ये हो सकता है कि आप एक साल में 20% जो है वो इन्फ्लेशन कम करके 20% जीडीपी कम करके अपने इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लें, या आप इसको स्प्रेड कर लें सम सेवरल ईयर्स पे कि मैंने 5 साल या 4 साल में इन्फ्लेशन को कम करना है तो ग्रेजुअली मैं अपने आउटपुट को कम करूं. ठीक है, ताकि मेरा आहिस्ता आहिस्ता इन्फ्लेशन जो है वो भी कम हो. ठीक है, द कॉस्ट ऑफ डिस इन्फ्लेशन इज द लॉस्ट ऑफ जीडीपी. कहते हैं कि जो हमने डिस इन्फ्लेट करना है अपने इन्फ्लेशन को, जो हमने कम करना है वो उसमें हम लोगों ने एट द कॉस्ट ऑफ हमारी जीडीपी पे करना है. ठीक है, वन कुड यूज ओकन्स लॉ टू ट्रांसलेट दिस कॉस्ट इनटू अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है, ये आपको बड़े अच्छे तरीके से ओकन्स लॉ पढ़ा है और ये मैंने आपको दिया था. ठीक है, अच्छा उसके बाद कहते हैं कि रैशनल एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, वेज ऑफ मॉडलिंग द फॉर्मेशन ऑफ एक्सपेक्टेशन. अब क्या है एक्सपेक्टेशन, क्या एक है अडॉप्टिव एक्सपेक्टेशन. पीपल बेस देयर एक्सपेक्टेशन ऑन द फ्यूचर इन्फ्लेशन ऑन द रीसेंट ऑब्जर्व इन्फ्लेशन. जाहिर है अडॉप्टिव तो यही है कि भाई जो मेरा आज के हालात है उसके अकॉर्डिंग ही मैं फ्यूचर के अपने डिसीजंस करूँगी. रैशनल एक्सपेक्टेशन क्या है कि पीपल बेस ऑन देयर एक्सपेक्टेशन ऑन ऑल अवेलेबल इन्फॉर्मेशन. ठीक है, अब जो रैशनल क्या होते हैं वो इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे देखते हैं कि अभी जो हुकूमत है वो ये क्या काम कर रही है. ठीक है, जिससे कि मुझे जो है अभी मुझे फ्यूचर में क्या डिसीजन लेने होंगे. ठीक है, इसकी एग्जांपल आप इस तरह से देखें कि इस साल के शुरू में इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई था. ठीक है, तो जो गाड़ियाँ जो है लीज करवाना, गाड़ियाँ बैंक से लीज करवाना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था कि स्टेट वे जो गाड़ी जो है 20-25 लाख की थी वो तकरीबन 36-37 लाख तक जो है वो आपको मिल रही थी. ठीक है, अब कई लोगों ने उस पे जो है बहुत कम गाड़ियाँ लीज हुई, लेकिन कई लोगों ने उस पे गाड़ियाँ लीज की क्योंकि वो अडॉप्टिव एक्सपेक्टेशन पे थे, वो कह रहे थे कि आने वाले टाइम में इससे ज़्यादा ना इंक्रीज हो जाए. ठीक है, इससे ज़्यादा ना इंक्रीज हो जाए तो आज हम ये ले लेते हैं. ठीक है, लेकिन रैशनल एक्सपेक्टेशन क्या थी कि उसमें जो के इकॉनमी को समझने वाले लोग थे वो ये देख रहे थे कि इकॉनमी जो है वो ओवरहीटेड है और इसकी रेमेडी होती है कि जो इसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं कि इंटरेस्ट आपका इंक्रीज होता है और इसकी रेमेडी ये होती है कि आफ्टर सम टाइम ये इंटरेस्ट रेट कम होना ही होता है. ठीक है, तो वो देखेंगे कितने बड़े बड़े जंप लेके जो है वो इंटरेस्ट रेट कम हुआ है. ठीक है, तो जिन्होंने उस टाइम पे गाड़ियाँ लीज करवाई हैं उनको काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ी हैं एज कम्पेयर टू अब का जो इन्फ्लेशन रेट है उस पर. ठीक है, तो थोड़ा सा आपने जब डिसीजन लेने होते हैं तो हर दफ़ा आप जो है वो अडॉप्टिव एक्सपेक्टेशन जो है उस पर डिसीजन नहीं लेते हैं. समटाइम आपको रैशनल एक्सपेक्टेशन पे या मोस्ट ऑफ द टाइम आपको रैशनल एक्सपेक्टेशन पे डिसीजन लेने चाहिए. जो इंफॉर्मेशन करंट इंफॉर्मेशन है उसको जज करते हुए आपको फ्यूचर जो है वो उसके प्लान्स करने चाहिए. ठीक है, ताकि आप जो है वो राइट चीज़ जो है वो सिलेक्ट कर सकें. अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है कि पेनलेस डिसइन्फ्लेशन. अब जाहिर है मैंने इकोनॉमी को डिसइन्फ्लेट करना है, वो जो इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन आया हुआ है जिसकी वजह से आपकी जो गरीब है वो सबसे ज़्यादा प्रेशर में होता है, तो मैं उसकी पेन कैसे कम करूँ. तो इसमें कहता है कि प्रोपोनेंट ऑफ इरेशनल एक्सपेक्टेशन बिलीव दैट द सेक्रीफाइजिंग रेशियो ये भी वेरी स्मॉल. कहते हैं अब जो हमने बात की ना कि हमने सेक्रीफाइस रेशियो जो पहले कैलकुलेट की थी कि भाई वो तो कहता था कि सिंपल 20% जीडीपी कम कर दो, 20% जीडीपी कम करके आपके पीछे रह क्या जाना है. ठीक है, वो उससे आपकी गुर्बत ही इतनी ज़्यादा हो जानी है. तो कहते हैं कि कैसे किया जाए कि बड़ा आप पेनलेस किस्म का जो है कोई ऐसा फॉर्मूला करें जिससे कि आपका इन्फ्लेशन भी कम हो जाए और लोगों को इतना फील भी ना हो. तो उसमें कहता है कि सपोज यू इक्वल टू
UN and your actual and expected inflation is 6%. And suppose the Fed announced that it will do whatever is necessary to reduce the inflation from 6% to 2% on the as soon as possible. अब उसमें क्या होता है कि स्टेट बैंक कहता है कि मैंने इन्फ्लेशन जो है उसको एट एवरी कॉस्ट जो है मैंने इन्फ्लेशन को कम करना ही करना है, ठीक है। जब ये अनाउंसमेंट सेंट्रल बैंक की तरफ से आती है तो पीपल्स जो है वो जो लोगों की एक्सपेक्टेशन बन जाती है, नाउ पीपल स्पेकुलेट के आने वाले टाइम में इन्फ्लेशन कम होना है क्योंकि स्टेट बैंक ने ये अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है वो फॉलो जो है वो थ्रो की है। तो उससे क्या होता है कि इफ़ द अनाउंसमेंट ऑफ द क्रेडिबल कोई जो जिसकी भी बात की से है वो अगर कोई ऐसी अनाउंसमेंट करता है देन एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन विल फॉल पर हैव्स बाय द फुल ऑफ फोर पॉइंट्स, ठीक है। तो कहता है कि आपका एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली जो है वो कम हो जाता है और आपकी जो अनएम्प्लॉयमेंट है उस पर कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, वो कोई इतनी ज़्यादा इंक्रीज नहीं होती है, ठीक है। तो ये भी एक रेमेडी होती है जो आपका फाइनेंस मिनिस्टर, अगर आप देखें कि अक्सर वो एक बड़ी जो है वो स्टेटमेंट पास करते हैं कि आने वाले टाइम में डॉलर की कीमत कम हो जानी है, ठीक है। जब वो इस किस्म की स्टेटमेंट पास करते हैं तो जितने भी लोग जो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे होते हैं, ठीक है, वो फौरन कैलकुलेट कर लेते हैं कि अच्छा ये डॉलर की कीमत कम हो जानी है तो अभी डॉलर बेचने में फ़ायदा है, ठीक है, कल को डॉलर की कीमत कम हो जानी है, ठीक है। तो इस किस्म की जो जब आप करते हैं स्टेटमेंट पास करते हैं तो उसके इफेक्ट में लोग अपने डिसीजंस को उस तरह से जो है वो जो है अपने डिसीजन जो है वो लेते हैं तो उससे ऑटोमेटिकली आपका जो इन्फ्लेशन जो है वो कम हो जाता है विदाउट एनी पेन। अच्छा जी, उसके बाद आपकी ये थोड़ी सी कैलकुलेशन बताता है कि जैसे जो है वो कैलकुलेशन ऑफ द सेक्रीफाइस रेशियो फॉर द वॉल्कर डिसइन्फ्लेशन, ठीक है। उन्होंने डिसइन्फ्लेट किया 1981 में 9% पे थे तो 1985 में 3% पे आ गए थे, ठीक है। तो वो इसी तरह से उन्होंने अपना अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो उनका जो जो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है वो उनका 6% था, ठीक है, और जो डिफरेंस था उनका एक्चुअल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसका जो डिफरेंस है 3.5% का, ठीक है। तो उन्होंने ग्रेजुअली अपना जो जो अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है, ठीक है, वो उन लोगों ने कम किया, ठीक है, वो उनका जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है कम हुआ, लेकिन जो उन जो उनकी जो ये एम्प्लॉयमेंट रेट जो उनका कम हुआ लेकिन जो उनकी इन्फ्लेशन है वो उसको उससे ज़्यादा कमी आई, जिसको उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। कहते हैं कि फ्रॉम द प्रीवियस स्लाइड इन्फ्लेशन फॉल बाय 6.7%, टोटल साइकुलर अनएम्प्लॉयमेंट वॉल्स 9.5%, ओपन लॉ 1% अनएम्प्लॉयमेंट टू 2% लॉस ऑफ आउटपुट, ठीक है, 9.5% साइकुलर अनएम्प्लॉयमेंट और 19% ऑफ द ईयर्स रियल जीडीपी, ठीक है। तो सेक्रीफाइस रेशियो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे कि आपका लॉस्ट इन्फ्लेशन जो लॉस्ट जीडीपी है वो 9% है और आपने जो इन्फ्लेशन जो है वो कम किया 6.7% है तो आपकी सेक्रीफाइस रेशियो 2.8% आ गई। ये 2.8% जो है अगर आप जीडीपी लॉस्ट करते हैं तो 1% आपकी जो इन्फ्लेशन है उसमें कमी आएगी। ये आपकी सेक्रीफाइस रेशियो है, ठीक है, जैसे आपने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है।